टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड या कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, जिसका सिंबल एल है। तो होता क्या है, मान लो आप एक लॉन्ग सोलेनोइड कंसिडर करो जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है रेडियस से। उस सोलेनोइड में छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो एक्सिस के ऊपर सोलेनोइड में बी क्या जनरेट होगा, म्यू नॉट एन आई। यहां तक क्लियर है? सोलेनोइड में बहुत सारे टर्न्स हैं, कोई एक टर्न ले लो, एक टर्न में ये इतना बी होगा एक्सिस पे, एक टर्न का एरिया अगर ए है तो एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? और बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, ये कितने टर्न्स का फ्लक्स आया, एक टर्न का। पर सोलेनोइड में तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो टोटल फ्लक्स पूरे सोलेनोइड का क्या होगा, जितने भी टर्न्स हैं उसको एक टर्न के फ्लक्स से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। सोलेनोइड में कितने टर्न्स हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स को एक टर्न के फ्लक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो टोटल फ्लक्स आ गया पूरे सोलेनोइड का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कुछ नहीं किया, बी यूज किया सोलेनोइड का, एक टर्न के एरिया से मल्टीप्लाई किया, एक टर्न का फ्लक्स आ गया, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया, टोटल फ्लक्स आ गया। कोई डाउट? क्लियर है? ये एक तरीका है। अब एक और तरीका है फ्लक्स निकालने का, और वो क्या तरीका है, फाइ इज इक्वल टू एल आई। ये खास बात है, इसकी इंपॉर्टेंट है, खास बात ये है, जब आप फॉर्मूला यूज करते हो फाइ इज एल आई, इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एल के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न छुपे हुए हैं। तो जब आप फॉर्मूला यूज करते हो एफ फाइ इज इक्वल टू एल आई, तो उस फॉर्मूले के अंदर आप यहां पर ये टोटल फ्लक्स ऑटोमेटिकली निकलता ही टोटल फ्लक्स है। तो ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर लिया, आई से आई कैंसल, आंसर एल की वैल्यू आ गई फॉर्मूला। तो सेल्फ इंडक्शन एल किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। पॉइंट समझ में आया यहां तक, एक्सप्रेशन आता है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप इस छोटे एन की जगह पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्क्वेयरिंग करके कैंसिल करके ये फॉर्मूला। तो आप न्यूमेरिकल में कई बुक्स ये फॉर्मूला यूज करेंगी, कई ये यूज करेंगी, आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों फॉर्मूलाज को मार्क कर लें। और कभी कभी ऐसा होता है सोलेनोइड जो है उसके अंदर कोई कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया, जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट दी वायर्स, तो ऐसे केस में जो एल का फॉर्मूला बनेगा वो म्यू नॉट को, म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा म्यू आर से, म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ सॉफ्ट आयरन। तो आपका जो भी फॉर्मूला म्यू नॉट है वो म्यू नॉट इनटू म्यू आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, अगर ऐसा गिवन हो तो, वैसे गिवन नहीं होता, वैसे म्यू आर की जरूरत पड़ती नहीं हमें।